नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम और आज का हमारा विषय है जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह दो ग्रह कमजोर हों ऐसे व्यक्ति से कभी व्यापारिक मित्रता नहीं करनी चाहिए, अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। हमारी ज्योतिष में सूर्य आत्मा के प्रतिनिधि होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य आत्मा के, चंद्रमा मन के, मंगल सत्व यानी कि हिम्मत के, बुध वाणी के, बृहस्पति ज्ञान और सुख के, शुक्र ज्ञान, शुक्र और वैवाहिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रेम संबंधों के, कामुकता के प्रतिनिधि होते हैं। शनिदेव दुख के प्रतिनिधि होते हैं। साथियों, किस व्यक्ति से आपको बिल्कुल भी व्यापारिक मित्रता नहीं बढ़ानी है, बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमारे धर्मशास्त्रों का जो प्रमाण है उनके साथ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सूर्य आत्मा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। आत्मा यानी कि विल पावर, आत्मा के कमज़ोर होने पर व्यक्ति का समूचा शारीरिक और मानसिक ढांचा, टोटल बॉडीली और मेंटली माइंडली स्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ जाता है। जिस व्यक्ति की आत्मा कमज़ोर होती है, जिस व्यक्ति की आत्मा मलिन होती है, वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अति बाल्य, अति वृद्ध, मृत अवस्था में हो या पाप दृष्ट हो, ऐसे व्यक्ति से व्यापारिक मित्रता ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं वह आपको भी लेकर डूबने ही वाला है। नंबर दो, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन के प्रतिनिधि होते हैं, चंद्रमा के कमज़ोर होने पर, पाप दृष्ट होने पर, चंद्रमा के पाप कर्तरी योग में होने पर व्यक्ति का मन स्थायी नहीं होता, उसका चित्त स्थिर नहीं होता और कमज़ोर मन का व्यक्ति व्यापार में मित्रता के लायक भी नहीं होता, वह भी आपको लेकर के डूब सकता है। तो जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति हमेशा कमज़ोर बनी रहती हो, वह भी आपके लिए नुकसानदायक है और सही समय पर सही निर्णय ना ले पाने वाला, जन्म कुंडली में कमज़ोर सूर्य वाला व्यक्ति भी आपके लिए हानिकारक है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कुछ सटीक जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सही जानकारी आपके मित्रों तक पहुँचाने